अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ओनली फॉर यू। अच्छा यार, उम्मीद है हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फॉर यू का हर फैमिली मेंबर बिल्कुल हैरियत से होगा। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब बिल्कुल हैरियत से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर मेरी तबीयत जो हो चुकी है, इसलिए आप देख सकते हो कि आज इवनिंग पे मैं माल रोड पे घूमने फिरने के लिए आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ का मुझे उम्मीद है, आपको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था, आप लोग मेरी माउथ से ऐसी वर्डिंग को सुनना चाह रहे थे कि यार मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हो चुका हूं। और एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, आज मैं अपना एक्शन कैमरा जो है वो भूल चुका हूँ, एक्शन कैमरा मैं साथ नहीं लाया, मोबाइल डिवाइस से व्लॉग शूट होने वाला है। सो स्टेबलाइजेशन में थोड़ा सा एरर आप लोगों को आई थिंक फेस करना पड़ेगा। आप लोग तो रोज़ाना व्लॉग देख रहे होते हो, आप लोगों को सही पता चल रहा होगा, मैं तो रोज़ाना व्लॉग देख नहीं रहा था बल्कि शूट कर रहा था, और शूटिंग करने में और देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो आप लोग ज़रूर बता रहे होंगे कि एक्शन कैमरा जो है हमारी व्लॉगिंग में कितना ही बेस्ट है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा व्लॉग होगा वो एक्शन कैमरा से ही होगा, आज मैं उसे गलती से भूल आया। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैं आपको अपनी तबीयत के रिलेटेड बताना चाह रहा था, हमारी यूट्यूब फैमिली में से बहुत सारी मेरी सिस्टर, मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मेरी तबीयत की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। सो उनको मैं बताना चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ। अच्छा यार, मैं सॉरी करना चाहूँगा, मुझे कट लेना पड़ा, वो मेरा फ्रेंड आ गया था, हमसे आगे जो बैच चल रहा है ना उसमें ये लोग कंप्यूटर साइंस में, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर का लड़का था और हम लोग जो हैं वो थर्ड सेमेस्टर के हैं। सो बड़े अच्छे भाई हैं ये, बहुत ही अच्छे भाई यार। कभी मैं आपको अपने यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं साथ के, उनसे ज़रूर मिलवा रहूँगा। मैं आपको अपनी तबीयत के रिलेटेड बताना चाह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो चुकी है, और इंशाल्लाह मंडे से हम लोग जो है वो प्रॉपर अपनी यूनिवर्सिटी को भी ज्वाइन कर रहे होंगे। तो यूनिवर्सिटी के रिलेटेड भी व्लॉग्स इंशाल्लाह मंडे से आपको मिल रहे होंगे, क्योंकि मंडे से ही मैं प्रॉपर ज्वाइन करूँगा। अभी एक फ्राइडे को तो आपको पता है एक दो तीन क्लासें होनी हैं, और इसके अलावा सैटरडे और संडे। तो मैं आपका दिल की गहराइयों से थैंक्स कहना चाहूँगा यार, आपकी दुआओं ने मेरी बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई की, बहुत ही ज़्यादा इस बीमारी में आपकी दुआओं ने मेरी हौसला अफजाई की, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी, आप जैसी एक यूट्यूब फैमिली दी यार, जिसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई। सो मैं एक ऐसा खुश नसीब इंसान हूँ जिसके साथ आप लोगों जैसी फैमिली है। सो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं हमें इसी तरह मिलती रहेंगी, और इसी तरह हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको रोज़ाना की बेस पे इंशाल्लाह प्रोवाइड करते रहेंगे। मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहूँगा कि मेरी 100% कोशिश ये होगी। असल में देखें ना, मैं अपने पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहता हूँ, और दूसरा मेरा यूट्यूब का शौक़ था, इसलिए ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया गया। सो इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहूँगा, यकीन दिलाना चाहूँगा कि मैं रोज़ाना की बेस पे अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। सो हमारी हर आने वाली जो न्यू वीडियो होगी वो पुरानी वीडियो से इंशाल्लाह अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसमें मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, ताकि मुझे मज़ीद आप जो अपनी यूट्यूब फैमिली का लव देखने को मिले। और यार, लास्ट वीडियो में आई थिंक ये जो हमारी लास्ट वीडियो थी, इसी में मैंने आपसे कहा था कि माल रोड पे ना ये खुबानी के दरख्त हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल हमें इनके ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा खिल चुके हैं, और आफ्टर रमज़ान इसके ऊपर खुबानी का फल भी हमें दिखाई दे रहा होगा। देखें यार, कितने खूबसूरत मनाजिर हैं इस टाइम पे इस दरख्त की वजह से, माल रोड के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर हैं यार, देख के मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ने खूबसूरती जो है वो मरी के अंदर रखी है, मरी को अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया। देखें वो आगे एक और दरख्त है, इसी तरह काश यार ये खुबानी के दरख्त पूरे के पूरे माल रोड पे होते तो इस मौसम में, मौसम बहार में कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहे होते।
अच्छा यार माशाल्लाह यहाँ से आप दरख्त देखें कितने ही ज़्यादा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। ये साथ में छोटा दरख्त भी है, अभी इस पर इतने ज़्यादा फूल दिखाई नहीं दे रहे, इंशाल्लाह अभी ये इन दरख्तों पे ना और भी ज़्यादा ये फूल जो हैं वो घने हो रहे होंगे, जो कि रात में, शाम में, इवनिंग में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंजर क्रिएट कर रहे होंगे, जो इंशाल्लाह रोज़ाना की बेस पे आपके साथ व्लॉग्स में शेयर हो रहे होंगे। और इसके अलावा यार आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मुझे भी दरख्त लगाने का, पौधे लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, सो इसी सिलसिले में मैंने भी अपने घर के पास जगह बहुत कम होने की वजह से जस्ट एक पौधा या एक दरख्त लगाया हुआ है, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फूल जो हैं वो निकले हुए हैं, बाहर के जो फूल होते हैं जो निकले हुए हैं, इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा अपने दरख्त की वजह से खुशी हुई, जो कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और यार बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं यार, इन खूबसूरत जगहों पे बैठ के मज़े ही कुछ और हैं यार, इस बहार के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। क्या हाल है जी हरीत से? ये हमारे फैन है जी यूट्यूब पे, क्या हाल है? ठीक है हरीत से, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है? हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। और क्या करते हैं आप यहाँ पे? नाइटी मोशन राइड का काम करते हैं। अच्छा यहाँ पे? हाँ यहाँ पे 90 मोशन राइड का। कितने रुपए चार्जेस करते हैं इस पे? हाँ? कितने रुपीस चार्जेस करते हैं इस पे? इस पे हम 200 रुपए एक टिकट लेते हैं। एक टिकट? हाँ। अच्छा इंशाल्लाह आएंगे कभी आपके पास, अभी टाइम नहीं है तो। और कोई खिदमत करें आपकी? बहुत शुक्रिया। चाय कहवा पियेंगे? नहीं नहीं शुक्रिया। कॉफी? नहीं शुक्रिया, थैंक यू। चलें सही है। अच्छा यार बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं यार यहाँ के, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर हैं, ठंडी सी शाम है, यहाँ पे बैठने का अपना ही मज़ा ही कुछ और है, यहाँ से जाने का बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा, लेकिन इवनिंग हो चुकी है, शाम हो चुकी है, हमें आफ्टर व्लॉग जाना ही होगा। सो इस सिलसिले में यहाँ के आप देख सकते हो यार माशाल्लाह कितने ही खूबसूरत मनाजिर हैं, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, इंजॉयबल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी इंजॉय करने का, बैठ के आइसक्रीम खाने का जी जा रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ दोबारा ही फीवर ना हो जाए इसलिए। और ये उस दिन अंकल मेरे ऊपर छोड़ने लगे थे, इससे बड़ा ही डर लग रहा होता है। अच्छा यार वैसे मुझे स्टार्ट में आपको बताना चाहिए था कि आज आपका ये खूबसूरत सा व्लॉग जो है ना वो थर्सडे को शूट हो रहा है, यानी कि सुबह फ्राइडे है, हमारा एक न्यू वीकेंड स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन वीकेंड से भी ज़्यादा जो है आम दिनों में ना वीकेंड पे इतना रश नहीं होता जितना कि आजकल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आजकल ये जो दिन चल रहे हैं ना ये एक आम दिन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही अच्छे मरी के सीज़न के दिन है। आपने देखा हमारे जो दरख्त हैं वो बहार की वजह से कितने ज़्यादा खूबसूरत खिले हुए हैं, सो इस सिलसिले में ये भी एक मरी का सीज़न कहलाता है, जो कि इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ इसी चैनल ओनली फॉर यू पे इंजॉय कर रहे होंगे। आप देखोगे यार मरी की खूबसूरती। और इसके अलावा हमारा आगे एक और भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म का मौसम जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है, जिसे रमज़ान का मौसम कहा जाता है, जो कि एक नेकियों का सीज़न है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम, क्या हाल है जी? ठीक है हैरियत से? आज आप मौसम के रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे, रश क्राउड के रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत किस्म का मौसम भी है, ठंडा सा ठंडा सा मौसम भी है भाई, उसके अलावा रश भी अच्छा है, अच्छा रश है, अच्छे टूरिस्ट लोग आए हैं, उसके अलावा जो है ना ये है फैमिली वाइज बच्चे मेरे जो काम में वो बच्चे आते हैं ज़्यादातर, ज़्यादातर वो बच्चे आते हैं, क्यूट बच्चे होते हैं, अच्छा यार हम लोग चल रहे हैं आगे के लिए। ये भाई कुछ मौसम के रिलेटेड और इसके अलावा रश वगैरह के रिलेटेड आपको बताना चाह रहे थे। मैं अपने माल रोड का जो क्रीम पॉइंट कहलाता है इसका कंप्लीट व्यू जो है यहाँ से एक ऊंची जगह से आपको दे रहा हूँ, फिर हम लोग जो है वो अपना रूम रेंट थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद अपना जो खूबसूरत सा आज का व्लॉग है इसको वाइंड अप कर रहे होंगे।
यार इस ठंडी सी शाम में हम लोग यहाँ पे आज बैठ के कुछ जो हमारी रिमेनिंग डिस्कशंस होती हैं वो कर रहे होंगे, जैसे कि रोज़ाना की बेस पे हम लोग आपको रूम रेंट पे गाइड कर रहे होते हैं। तो यार ये जो आपका मूव एंड पिक होटल है ना, बड़े खूबसूरत किस्म का और बड़ा ही ऊंची जगह पे ऊंचा सा व्यू इसका आपको दिखाई दे रहा होगा। 5000 में आजकल की डेट में इजीली इसमें रूम आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे माल रोड के ऊपर मौजूद होटल हैं जिनका रूम रेंट आजकल जो है वो 3000, 2500 और इस तरह चल रहा है। और यार आज की शाम की मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा ठंडी सी खूबसूरत सी शाम है। ठंडी सी ऐसी है ना, चाँद की हल्की सी ठंडक है और ना तो ज़्यादा सर्दी फील हो रही है। मैं आई थिंक बीमारी से जो है वो निकला हूँ, आई थिंक इसलिए मुझे ये जो शाम है वो अच्छी लग रही है। सो बीमारी से निकलने के बाद शायद इस वजह से अच्छी लग रही है। सो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिस अल्लाह ने मुझे वो बीमारी दी और फिर उस बीमारी से निकाला और उस बीमारी में आप जैसे लोगों की हौसला अफजाई दी, तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा। सो ये फाइनली हमारे GPO चौक के बहुत ही खूबसूरत किस्म के मनाजिर हैं जो कि मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को भी पसंद आ रहे होंगे, खूबसूरत लग रहे होंगे। सो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, बिकॉज हम लोग जो है वो अपने आप को जस्ट आप लोगों की राय से ही इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे कॉन्टेंट में अगर किसी चीज़ की कमी हुई तो आपने उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करना है, ताकि नेक्स्ट जी सर नहीं सर थैंक यू ताकि हम लोग अपने कंटेंट को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। भाई मुझसे होटल के बारे में पूछ रहे थे, मेरा यहाँ से माल रोड से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर दूर मेरा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह मरी के अंदर, और हूँ भी मैं बेसिकली यहाँ मरी से। थैंक यू।